हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम फिजिक्स के ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, विच इज एसआई यूनिट। एसआई यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनिट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एसआई यूनिट्स हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के हैं। नंबर वन इज अ फंडामेंटल। सो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स, एंड सेकेंड वन आपके पास क्या है, सप्लीमेंट्री, SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सो दो तरह के यूनिट्स हैं। जब भी ये एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मोस्टली बच्चों को जो टर्म्स है वो लर्न नहीं होती। सो आपको एक फिजिक्स के अंदर एक छोटा सा ट्रिक बताया जाएगा फंडामेंटल यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को लर्न करने के लिए। सो हम लोग कहीं घूमने गए, वहां का क्लाइमेट बहुत अच्छा था। सो हमने क्या किया, वहां पे एक रोड शो किया। सो छोटी सी स्टोरी से हम लोग एसआई यूनिट्स लर्न करेंगे। क्या हुआ, हम लोग कहीं घूमने गए, वहां पे मौसम बहुत अच्छा था, क्लाइमेट बहुत अच्छा था। सो हमने रोड शो किया। सो हम लोग क्या लर्न करने वाले हैं, क्लाइमेट। ई की बजाय हम लोग डबल टी लिख रहे हैं, ठीक है। क्लाइमेट की स्पेलिंग क्या है, CLIMATE, ई की जगह पर हम लोग टी लिख रहे हैं, क्लाइमेट रोड शो। सो हमें आर भी चाहिए, एस भी चाहिए, ये वाले सारे स्पेलिंग चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये है आपका फंडामेंटल यूनिट्स और रोड शो है आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब इसको लिखेंगे किस तरीके से, सो इस तरह से हमने लिख लिया फंडामेंटल यूनिट्स। सेवन तरह के हैं। सो स्पेलिंग क्या है, CLIMATE। सो स्टार्ट करेंगे कहां से, सी से, सी। सो इस तरह से हम लोग लिखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट किसके हैं, क्लाइमेट। सो लिखेंगे CLIMATE, ये रहे क्लाइमेट। सो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सी मतलब करंट, एल मतलब लेंथ, आई मतलब इंटेंसिटी, जिसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कहा जाता है, एम मतलब मास, ए मतलब अमाउंट, किसकी अमाउंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो यहां पर पूरा लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। टी मतलब टेम्परेचर, और नेक्स्ट टी का मतलब क्या है, टाइम। सो इस तरीके से आपने सारी टर्म्स को लर्न कर लिया, करंट, लेंथ, इंटेंसिटी, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर एंड अ टाइम, ठीक है जी। अब इसे एसआई यूनिट्स में किस तरीके से लिखते हैं, सो इसके एसआई यूनिट्स क्या होंगे। सो हम लोग लिख रहे हैं एसआई यूनिट्स, करंट को मेजर किया जाता है एम्पेयर में, सो हमने यहां पे लिख दिया एम्पेयर। लेंथ को किस में मेजर किया जाता है, मीटर्स में, सो हमने लिख दिया मीटर। इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है कैंडेला, CANDELA। नेक्स्ट है मास, मास को किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम, सो किलोग्राम। इसका मतलब ये वाले वो यूनिट्स हैं, आप कहीं पे किसी देश में भी चले जाएं, ये वाले यूनिट्स कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अमाउंट किस में मेजर किया जाता है, मोल्स में। नेक्स्ट टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केल्विन में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड्स में, ठीक है जी। ये हो गए आपके एसआई यूनिट्स। अब एसआई यूनिट्स के कोई ना कोई सिंबल्स होंगे, सो सिंबल लिख लेते हैं कि सिंबल किस तरीके से होंगे। एम्पेयर मतलब ए, मीटर मतलब एम, कैंडेला को किस तरह से मेजर किया जाता है, सीडी, और नेक्स्ट इज किलोग्राम, किलोग्राम की शॉर्ट फॉर्म केजी, मोल की शॉर्ट फॉर्म एमओएल, केल्विन की शॉर्ट फॉर्म के, सेकंड्स के सिंबल एस, ठीक है जी। सो ये हो गया आपका सिंपल फंडामेंटल यूनिट्स। सो फंडामेंटल यूनिट आपने सेवन के सेवन लर्न कर लिए विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। सो क्या है, करंट, लेंथ, इंटेंसिटी, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर एंड टाइम। सो क्लाइमेट की हेल्प से आपने ये वाली ट्रिक के साथ आपने इजीली सारे के सारे सिंबल्स लर्न कर लिए। अब सेकंड देखो, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्या है, रोड शो। इसका मतलब रोड शो को किस तरीके से लिखेंगे, सो देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स टू टाइप के हैं, रोड शो। इसका मतलब यहां पे क्या लिखना है आपने, रोड, यहां पे क्या लिखना है, शो। आर मतलब रेडियन, यहां पे लिख दो रेडियन, RADIAN, रेडियन। यहां पे लिखेंगे स्टे रेडियन, SERADIAN, स्टे रेडियन, ठीक है जी। अब इनको किस में मेजर किया जाता है, एंड दिस इज
प्लेन एंगल, अगर आपने एक प्लेन के अंदर एंगल मेजर करना हो तो रेडियन में होता है। स्टे रेडियन, अगर किसी सॉलिड के अंदर आपने एंगल मेजर करना हो तो दिस इज द स्टे रेडियन। और इसे मेजर, इसका सिंबल क्या है? आर। और स्टे रेडियन का सिंबल क्या है? एस आर। क्लियर हो गया? सो आज हमने इसमें ट्रिक क्या सीखा, क्लाइमेट रोड शो। फिजिक्स के अंदर हमने सीखा ऐसा यूनिट्स, इंटरनेशनल यूनिट्स दो तरह के हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सो इसे लर्न करने का हमने ट्रिक क्या किया, क्लाइमेट रोड शो। क्लाइमेट किसका है? फंडामेंटल का। और रोड शो किसका है? सप्लीमेंट्री का। सो ये रहे आपके फंडामेंटल यूनिट्स और ये रहे आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सो एक दो बार इसको इस तरीके से लर्न करो, आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे ऐसा यूनिट्स, जो कि अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी आ सकते हैं, किसी एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। सो इसे एक दो बार लर्न कीजिए, आपके टिप्स पे याद हो जाएंगे। और इस ट्रिक को आगे शेयर करें, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।